बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां रीवा में एक बेहद बड़ा सड़क हादसा हुआ। इसी तरीके आपने मुझे बता दी कि परिहार बस सर्विस जो रीवा से सतना जाती, वह बस बीच रास्ते में होकर पहिया बस से अलग हुई गई और बस जो है कुछ दूर तक बिना पहिया के घसटत रह गए। यह पूरा मामला जब अधिकारी के संज्ञान में आवा तो वह तत्काल परिहार बस सर्विस के फिटनेस परमिट निरस्त कर दिए गए। विधि क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल हम करी तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी अब बेहद दुखद खबर के। जौने मापक बताया दी रीवा जिला के चौराहा थाना अंतर्गत बनकुइया के पास बड़ा सड़क हादसा हुए। समझ गया, बस मां सवार यात्रियों के मुताबिक रीवा के बनकुइया के रास्ते सतना जाए वाली बस के पहिया चेचिस से अलग हुई गई। गनीमत यह रही कि बस में यात्री ज्यादा नहीं रहे, स्पीड कम रही, ऐसा मां सभी यात्री बाल बाल बच गए। बिना पहिया के दौड़ी बस के सूचना जैसे आरटीओ मनीष त्रिपाठी का लाभ, वैसे जो है बस के फिटनेस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर देगा, साथ ही मां बस के परमिट और निलंबित कर देगा। अपना प्रत्येक बताया दी कि आरटीओ मनीष त्रिपाठी के द्वारा बताया गया कि परिहार ट्रेवल्स के बस MP17P0416 सोमवार के सुबह 9:30 बजे रेवांचल बस स्टैंड से रवाना हुई के ढेकहा बनकुइया के रास्ता सतना जा रही। जैसे बस बनकुइया के आगे पहुंची तब अचानक चेचिस के पहिया अलग हुई गए। ऐसा मां बस कुछ मीटर दूर घसटत रही। बस स्टैंड मां जानकारियों के द्वारा बताबागा कि ज्यादातर मोटर मालिक कंडम बस विभिन्न रूटन में दौड़ा रहे हैं, जेके चलते जो है आए दिन हादसा की खबर आवत थी। परिहार ट्रेवल्स के बस के हादसा के फोटो देखने वाले लोग जो है दांतन तले उंगली दबावे के मजबूर होंगे। हालांकि यह हादसा से चौराहा पुलिस का दोपहर तक अंजाम नहीं, तो सीधे तौर पर समझिए कि प्रशासन कितना बड़ा यह कहा जाए कि आम जनता के साथ धोखा कर रहा है। काहे कि परिवहन विभाग के प्रमुख काम यह आए कि सड़क में दौड़ी रहे वाहनन के स्थिति के जांच करके उनका फिटनेस और परमिट बनाए जाए, किंतु हालात यह कि यात्री बस तक मां जो है परिवहन विभाग घोर लापरवाही कह रहा है। हालात यह कि ऐसे पहले जो है सीधी मां बीते साल एक मामला भरा है जौने मां 54 लोगन के दुखद निधन हो गया रहा। ऐसे कंडम बस जो है सीधी से सतना जा रही, जो नहर मां जो है समाय गई रही, जौने मां 54 लोग कालातीत हो गए रहे। तो सोची कि ओके बाद प्रशासन कितना सुस्त है, सरकार कितना सुस्त है कि कंडम बसन का आखिर सड़क मां उतरे की इजाजत कैसा दे देती है, जो सीधे तौर पर प्रशासनिक कार्यवाही और प्रशासनिक जिम्मेदारन के ऊपर सवालिया निशान लगाती है। और अब आवाज न उठी तो समझ ले कि आम आदमी के जान हमेशा जो है खतरा में रही। काहे की सोची ये आरटीओ अब घटना के बाद रीवा में जो आज ये घटना भाई ओके बाद शिक्षा ले रहे हैं और ओके बाद फिटनेस और परमिट निरस्त कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात की यह बताई का जब घटना होए के बाद जब एक कदम उठाए जे ही तो ओकर का मतलब निकली, का फायदा हुई, का आम आदमी के जान इतनी सस्ती है कि मर जाए ओके बाद जो है उनका जो है सांत्वना देखी तिर की ओके ऊपर कार्यवाही हो गए। तो बिल्कुल ऐसा कार्यवाही ना चाहिए। जो काम की तिर आरटीओ के जो है नियुक्त की जाती वह काम आरटीओ का करेगा, परी फिटनेस और परमिट में लापरवाही यदि हुई तो निश्चित तौर पर इमें सड़क हादसा आम बात हो जाए। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।